हम बात कर रहे हैं विप्रो की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हम देख सकते हैं स्टॉक में हमको एक जंप देखने के लिए मिला था 452 के लेवल से 464 तक का, लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ से रिजेक्शन लेके स्टॉक ने गिरावट दिखाई हमको। इससे पहले इसी लेवल पर स्टॉक ने हमको सपोर्ट दिखाया था 464 के लेवल पे, इसका रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस जोन से ही स्टॉक ने अपनी गिरावट दिखाई। इससे पहले वीडियो में हमने इस सपोर्ट लेवल को डिस्कस किया था 450-448 के, जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक हमको दिखाया था, इसलिए हमने इसको तगड़े सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। और देख सकते हैं स्टॉक ने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, उसी के ऊपर हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस गिरावट के साथ हमको 450 तक की गिरावट इसमें आते हुए नज़र आ सकती है। 450 के लेवल पे एक मौका बन सकता है, यहाँ से हमको स्टॉक अगेन बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि हमने देखा स्टॉक काफ़ी लंबे समय से विप्रो जो है गिरावट में था, इसमें बड़ी तेज़ी इसमें तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही थी और स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय के बाद अपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट किया है। तो वैसी कंडीशन में यहाँ और हमको अपसाइड के चांस नज़र आ रहे, स्टॉक 450 के लेवल से बाउंस बैक होकर हमको और अपसाइड दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। 450 के लेवल से स्टॉक बाउंस बैक हो जाता है तो इमीडिएट टारगेट हमारा बनने वाला है 460 का लेवल, और 460 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 480 का लेवल, जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया और इस बाउंस बैक के साथ हमको 480 का लेवल ब्रेकआउट होकर हमको 500 तक के भी लेवल शॉर्ट टर्म में ही विप्रो में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।